नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैन्सी वाजपेयी और आप देख रहे हैं गांव जंक्शन का वीकली राउंडअप, यानी कि इस पूरे हफ्ते ग्रामीण भारत और किसानों से जुड़ी कौन कौन सी खबरें चर्चा में रही। तो शुरू करते हैं गांव जंक्शन का वीकली बुलेटिन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किश्त जारी। 9.4 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों को ट्रांसफर किए गए 20,000 करोड़ से अधिक की धनराशि। 1 अक्टूबर को किसान संगठनों से मिले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, किसानों की आमदनी बढ़ाने का दिया मंत्र। पीएम इंटर्नशिप स्कीम की शुरुआत। 1 करोड़ युवाओं को मिलेगा टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका। किसानों की आय बढ़ाने के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला, कृषि विज्ञान केंद्र लेंगे 2-2 गांव को गोद। महाराष्ट्र सरकार ने देसी गाय को दिया राज्य माता गौ माता का दर्जा। सरकार ने हर देसी गाय के लिए गौ रक्षण संस्थानों को सब्सिडी भी देने का किया ऐलान। कैसा रहने वाला है मौसम जानेंगे। रवि फसलों के लिए कैसा मौसम कितना फायदेमंद और कितना नुकसानदायक। और देश की हर ग्राम पंचायत में होंगी कोऑपरेटिव सोसाइटीज। क्या है नेट जीरो डेयरी सेक्टर प्लान, गांव जंक्शन पर देखिए एनडीडीबी चेयरमैन का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ, जो किसानों के लिए खुशखबरी लेकर आई है। मोदी कैबिनेट ने दिवाली से पहले किसानों की आय बढ़ाने के लिए 2 बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी। 3 अक्टूबर को देर रात हुई कैबिनेट मीटिंग में पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना को मंजूरी मिल गई है। दोनों योजनाओं पर कुल 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। योजना का मकसद कृषि क्षेत्र में सुधार लाकर किसानों की आय को बढ़ावा देना है। इसके अलावा तिलहन में आत्मनिर्भर बनने के लिए 10,103 करोड़ रुपए के नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल योजना को भी मंजूरी मिल गई है। ये कृषोन्नति योजना के तहत आने वाली स्वीकृत 9 योजनाओं में से एक है। इसका लक्ष्य 2031 तक खाद्य तेलों का उत्पादन 1.27 करोड़ टन से बढ़ाकर 2 करोड़ टन करना है और तिलहन उत्पादन में देश को 7 वर्षों में आत्मनिर्भर बनाना है। कैबिनेट में एक विस्तृत योजना रखी गई है। 2 बड़े एलिमेंट्स हैं। एक तो है पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, दूसरी है कृषि उन्नति योजना। आप दोनों के दोनों इन पिलर्स में देखेंगे 9-9 एलिमेंट्स हैं। इसमें से कई चीजें आप अगर ढंग से देखेंगे उनका सीधा साधा एकदम सीधा कनेक्शन है किसानों की इनकम से, सस्टेनेबल फार्मिंग से, एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन से और साथ ही साथ हमारे मिडिल क्लास परिवारों की थाली से। इसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट भी किया है। उन्होंने लिखा है कि देश भर के अपने किसान भाई बहनों के कल्याण के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इसी दिशा में आज 2 अहम फैसले लेते हुए पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि उन्नति योजना को मंजूरी दे दी गई है। इससे अन्नदाताओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही खाद्य सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। अब करते हैं अगली खबर का रुख। जिसका इंतजार किसान बेसब्री से कर रहे थे वो इंतजार अब खत्म हुआ। पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किश्त किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के वाशिम से पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किश्त के पैसे डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए। इसके माध्यम से 9.4 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों को 20,000 करोड़ से अधिक की धनराशि ट्रांसफर की गई। बता दें कि हर 4 महीने के बाद सरकार की ओर से योजना की किश्त की राशि जारी की जाती है। इस साल जून में सरकार ने 17वीं किश्त का पैसा किसानों के खाते में ट्रांसफर किया था। वैसे अगर आपके बैंक अकाउंट में किश्त की राशि आई है या नहीं ये जानना है तो इसके 3 तरीके हैं जिसके जरिए आप ये चेक कर सकते हैं, जैसे मोबाइल, एटीएम और बैंक ब्रांच। मोबाइल की अगर हम बात करें तो अगर आप योजना के लाभार्थी हैं तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर बैंक और सरकार दोनों की तरफ से
किश्त आने का मैसेज आ जाएगा। वहीं अगर एटीएम की बात करें तो अगर किसी कारणवश मैसेज आपके मोबाइल पर नहीं आता है तो आप एटीएम जाकर भी चेक कर सकते हैं। एटीएम मशीन से मिनी स्टेटमेंट निकालकर भी इसका पता लगाया जा सकता है। वहीं अगर आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है तो आप अपने बैंक की ब्रांच में जाकर पासबुक में एंट्री करवाकर इसका पता लगा सकते हैं। वैसे आजकल एटीएम वाली जगह पर ही पासबुक एंट्री वाली मशीन लगी होती है जहां से आप पासबुक में एंट्री करवा सकते हैं। अब करते हैं अगली खबर का रुख। हर मंगलवार किसानों से संवाद का वादा निभाते हुए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार 1 अक्टूबर को किसान संगठनों के पदाधिकारियों से मुलाकात की। अपनी दूसरी साप्ताहिक मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि किसानों की छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करके उनकी आय में 20% तक की वृद्धि की जा सकती है। संवाद के दौरान किसानों ने कृषि मंत्री के सामने कई मुद्दे भी उठाए। इसके साथ ही कृषि मंत्री ने घटिया कीटनाशकों और समय पर बीज न मिलने जैसी समस्याओं को लेकर भी सख्त रुख दिखाया। आप भी सुनिए भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों से मुलाकात के बाद कृषि मंत्री क्या बोले। ये चर्चा बहुत ही उपयोगी है मेरे लिए, क्योंकि किसानों की सेवा ही तो भगवान की पूजा है और समस्याएं ऐसी है कि जो दिखने में छोटी लगती है लेकिन इनका ठीक से समाधान हो जाए तो 10-20% आमदनी किसान की ऐसे बढ़ जाएगी। और इसलिए हमने तय किया है कि इन समस्याओं के बारे में जो केंद्र सरकार से संबंधित है, जैसे अच्छे बीज और कीटनाशक, घटिया कीटनाशक या घटिया बीज ना मिले, उसके लिए क्या कानून को और कड़ा बनाया जा सकता है, ऐसे कई विचार ये केंद्र सरकार करेगी। कई चीज़ें ऐसी है जो राज्य सरकार को करनी है, तो राज्य सरकार से संबंधित सुझाव हम उनके पास भेजेंगे। एक कई बार आदमी अगर सर्वे करता है या रेवेन्यू के रिकॉर्ड को मेंटेन करता है तो उसमें हेरा फेरी की संभावना रहती है, जिसके कारण भी परेशानी और झगड़े बढ़ते हैं, तो उसके संबंध में भी सुझाव आए हैं। बैठक बहुत उपयोगी थी। बता दें कि कृषि मंत्री ने हर मंगलवार किसान और किसान संगठनों से संवाद शुरू किया है। उनकी इस पहल को आप कैसे देखते हैं कॉमेंट कर जरूर बताएं। चलिए अब अगली खबर की बात करते हैं। आपको याद है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 के आम बजट में पीएम इंटर्नशिप स्कीम का ऐलान किया था और अब 3 अक्टूबर को पीएम इंटर्नशिप योजना पोर्टल लॉन्च भी कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत 1 करोड़ युवाओं को टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। आइए इस योजना और पोर्टल के बारे में जानते हैं पूरी डिटेल। पोर्टल पर छात्र छात्राएं इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर पाएंगे। 12 अक्टूबर से ये आवेदन किए जा सकेंगे। प्रत्येक इंटर्न को 5,000 रुपये का मासिक भत्ता दिया जाएगा। 1 साल बाद सरकार की तरफ से एक मुश्त 6,000 रुपये अलग से दिए जाएंगे। 5,000 रुपये के मासिक भत्ते में 10% यानी कि 500 रुपये कंपनियां अपने CSR फंड से देंगी, बाकी के 4,500 रुपये सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। बता दें कि योजना के तहत देश की टॉप 500 कंपनियों में अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के मौके दिए जाएंगे। पहले फेज के पहले 2 साल में 30 लाख युवाओं को इसमें शामिल किया जाएगा, जबकि अगले 3 साल में करीब 70 लाख लोगों को इससे जोड़ा जाएगा। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि कौन कर सकता है इसके लिए अप्लाई और कौन नहीं। 21 से 24 साल का कोई भी युवा जिसके पास 10वीं पास की मार्कशीट हो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। वो व्यक्ति अप्लाई नहीं कर सकता है जिसके परिवार में कोई सदस्य सरकारी नौकरी करता हो या जिसके परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से ज्यादा हो या वो खुद किसी फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हो। अब अप्लाई कैसे करना है इसका भी सिंपल तरीका है, वो भी आपको बताते हैं। ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर फॉर्म भरना होगा। यहाँ अपनी स्किल और इंटरेस्ट की जानकारी दे सकते हैं। योग्यता के आधार पर कहाँ आप इंटर्नशिप कर सकते हैं ये तय होगा। अगली खबर यूपी से सामने आ रही है, जहां किसानों की आय बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत कृषि विज्ञान केंद्र यानी कि केवीकेस 2-2 गांवों को गोद लेंगे और किसानों को नई तकनीक का प्रशिक्षण देंगे। आइए समझते हैं कि इससे किसानों की आमदनी कैसे बढ़ेगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 89 केवीकेस हैं। प्रत्येक केवीके अपने कार्य क्षेत्र के 2-2 गांवों को गोद लेगा। कृषि वैज्ञानिक किसानों को रबी फसल से जुड़ी नई तकनीकों से अवगत कराएंगे। कृषि अनुसंधान में हो रहे इनोवेशंस और न्यू टेक्नोलॉजिकल मेथड्स की ट्रेनिंग देंगे। कृषि मेला और गांवों में कृषि प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी।
प्रगतिशील किसानों को कृषि प्रसार से जोड़ने पर जोर रहेगा। दलहन जैसे कि चना, मटर, मसूर आदि और तिलहन जैसे सरसों, अलसी आदि के प्रदर्शन पर भी जोर रहेगा। मिलेट्स खाद्यान्न फसलों व औद्योगिक फसलों के बीज उत्पादन व नर्सरी उत्पादन का भी काम किया जाएगा। ऐसे में वैज्ञानिक और किसान जब मिलकर काम करेंगे तो फसल का उत्पादन बढ़ेगा और क्वालिटी भी बेहतर होगी। ये किसानों की आय वृद्धि का काम करेगा। अब बात करते हैं गौ माता की। देसी गाय की संकटग्रस्त नस्ल पुंगनूर को दुलारते हुए हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें खूब वायरल हुई थी। अब महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का देसी गायों को लेकर प्रेम झलका है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने देसी गाय को राज्य माता गौ माता का दर्जा देने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने हर देसी गाय के लिए गौ रक्षण संस्थानों को सब्सिडी देने का भी ऐलान किया है। इस योजना का लाभ लेने के लिए संगठन को महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग के साथ पंजीकृत कराना होगा। सरकार के इस फैसले के पीछे का उद्देश्य पशुपालकों को देसी गाय पालने के लिए प्रेरित करना है। सरकार का मानना है कि इससे गौकशी और तस्करी पर लगाम लगेगी। आदेश में कहा गया है कि गाय का भारतीय संस्कृति और वैदिक काल से महत्व रहा है। देसी गाय का दूध मानव आहार के लिए बहुत पौष्टिक होता है। आयुर्वेद में भी गाय के दूध और गौमूत्र से कई तरह की दवाइयां बनने की बात कही जाती हैं। इस फैसले से राज्य में गाय की सुरक्षा और सम्मान बढ़ेगा, ऐसा सरकार का मानना है। देसी गायों के पालन पोषण के लिए 50 रुपए प्रतिदिन की सब्सिडी दी जाएगी। ये योजना महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग द्वारा ऑनलाइन लागू की जाएगी। प्रत्येक जिले में एक जिला गौशाला सत्यापन समिति भी गठित होगी। देसी गाय ये हमारे किसानों के लिए वरदान है और हमने इसीलिए ये दर्जा देने का निर्णय लिया है। और साथ में हम लोगों ने जो हमारे यहाँ पर पांजरपुर होते हैं वहां पर भी जो देसी गौ माता है उसके परिपोषण के लिए उसके चारे के लिए मदद करने का फैसला किया है। वैसे महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर जरूर बताएं। अब बात करते हैं मौसम की। वीकली वेदर अपडेट क्या है और मौसम को देखते हुए किसान अपनी फसल की देखभाल कैसे करें, बता रहे हैं IARI के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुभाष एन पुल्लई। अभी मानसून का विड्रावल हो रहा है, वापसी हो रहा है और कुछ जगहों में ऑलरेडी वापस हो चुका है और कुछ जगहों में अभी परिस्थितियां अनुकूल है वापस जाने का। और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में और मध्य प्रदेश का कुछ भागों में और पूर्वी राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों से अगले 2-3 दिन में ये कम्प्लीटली विड्रॉ करेगा, ये है। और इसके बाद अगले हफ्ते मेघालय में भारी वर्षा होने का संभावना है और उप हिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम में भी भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। और अगले 7 दिनों के दौरान पूर्व उत्तर भारत में और उसके बाद गंगी पश्चिम बंगाल और बिहार में भी बारिश होने का संभावना है। और इसी का बारिश होने से कृषि में क्या इम्पैक्ट आएगा, ये चावल, बाजरा, लोबिया, फ्रेंच बीन और अलग सब्जियों के और बगीचों में अतिरिक्त पानी है तो उसको फील्ड से निकालना जरूरी है और बचने के लिए फसल को पानी से बचने के लिए खड़ी फसल वाले खेतों और फलों के बगीचे से अतिरिक्त पानी को तुरंत निकालने का प्रावधान करें। और ये भी है उपज से सुरक्षित स्थानों में बारिश होने का उम्मीद है कुछ जगहों में नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न रीजन में, उस एरिया से जो कटाई हो गया है उसी फसलों को कुछ सुरक्षित स्थानों में रहने का भी इंतजाम करना चाहिए। मौसम की एडवाइजरी के बाद बात करते हैं एक ऐसी खबर की जो पशुपालकों के लिए बेहद काम की साबित हो सकती है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड पूरे देश में दुग्ध व्यवसाय पर नजर रखता है। ऐसे में गांव जंक्शन ने NDDB चेयरमैन डॉक्टर मीनेश शाह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे डेयरी सेक्टर को आगे बढ़ाया जा सकता है, आप भी सुनिए। हमारा मुख्य उद्देश्य है
गांव के किसानों को कैसे उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इम्प्रूव किया जाए। आज के दिन में भी जो हमारा दूध का प्रोडक्शन है वो 230 मिलियन मेट्रिक टन है, 20 मिलियन टन से 230 मिलियन मेट्रिक टन का सफर तय हुआ है। जो सबसे ज्यादा फोकस रहा है वो है ज्यादा से ज्यादा किसानों को सहकारिता जो हमारी संस्थाएं हैं उससे जोड़ना। आज के दिन में हमारा जो ग्रोथ रेट है, दूध का जो उत्पादन रेट है, जो हम 6% CAGR से बढ़ रहे हैं, ये एक चैलेंज होगा कि इतना सारा दूध अगर हमारी डिमांड उसी रेट से नहीं बढ़ती है तो सरप्लस रहेगा। डॉक्टर मिनेश शाह का पूरा इंटरव्यू आप गांव जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। इंटरव्यू का लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों में दिया गया है। बहरहाल आज के वीकली बुलेटिन में बस इतना ही। अगले हफ्ते शनिवार को हम फिर हाजिर होंगे ग्रामीण भारत के सरोकार से जुड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गांव जंक्शन को फॉलो करें। व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।